नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। सामाजिक सेवा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को संयोजक राजेश सामंत के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम वासियों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे। अंचल अधिकारी से मुलाकात कर सरकारी जमीन पर श्राद्ध घाट के लिए निजी खर्च से तालाब निर्माण कराने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मध्य गदरा पंचायत के राहरगोड़ा ग्राम में शमशान घाट के करीब नाला किनारे एक तालाब की आवश्यकता है। ग्राम वासियों को पानी नहीं रहने के कारण श्राद्ध के कार्य में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग 1 किलोमीटर दूर बड़ा गदरा जाकर श्राद्ध का कार्य करना पड़ता है। राहरगोड़ा जयश्री कंपनी के करीब नाला किनारे एक सरकारी जमीन पर सामाजिक सेवा संघ अपने निजी खर्च से तालाब का निर्माण करवाना चाहती है, जिससे ग्राम वासियों को श्राद्ध कार्य के साथ नहाने एवं धोने की सुविधा मिल सके। लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से मध्य गदरा पंचायत के राहरगोड़ा ग्राम में एक श्राद्ध घाट का निर्माण के लिए सीओ के पास आए हैं और वो श्राद्ध घाट जयश्री कंपनी के नाला के किनारे बनाना चाहते हैं, जो सरकारी ज़मीन पर स्थित है। तो हम लोग सीओ साहब के पास उस ज़मीन पर सामाजिक सेवा संघ अपने निजी खर्च से तालाब बनाएगी, इसका एनओसी के लिए हम लोग आए हैं कि सीओ साहब इसको जल्दी एनओसी दे। हम लोग उसको श्राद्ध घाट वगैरह बन जाता है वहाँ तो महिलाओं को नहाने धोने और पीने का पानी को भी असुविधा नहीं होगा और श्राद्ध करने के में जो असुविधा होती है वो भी असुविधा नहीं होगा। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।